चंडीगढ़ के बीजेपी प्रधान अरुण सूजी हमारे साथ हैं। आज ये प्रदर्शन किया गया है, एक पुतला है वो भी पाकिस्तान विदेश मंत्री का जलाया गया है। ऐसा जी कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर की राजधानियों में इस तरह का प्रदर्शन कर रही है। पिछले दिनों पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो ओछी हरकत की है, वो उनकी बौखलाहट और उनकी जो है बदजुबानी जो है उनकी बौखलाहट का जो है वो वजह है। पाकिस्तान हर फ्रंट पर जो है वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान से उसको मुँह की खानी पड़ी है। चार चार जंगे हिंदुस्तान से हारने के बाद और आतंकवाद का जो है वो जो साजिश उनकी फेल होने के बाद आज मैं समझता हूँ कि उनके हाथ पैर पाँव दिमाग कुछ नहीं चलता, सिर्फ जुबान चलती है। और वो अपनी देश की जो कंगाली है, देश की बेरोजगारी है, देश की भुखमरी है, उससे ध्यान हटाने के लिए वो नरेंद्र मोदी जी जो इस दुनिया का जगमगाता हुआ सूरज हैं और आज वो हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के विश्व के नेता के रूप में उभर रहे हैं, वो अपने आप को शायद भुट्टो साहब को लगता है कि ऐसा ऐसा करने से शायद मेरा भी कहीं नाम आ जाएगा, तो मोदी जी के बहाने वो अपनी नैया तारने को बैठे हैं। और जिस प्रकार से वो पाकिस्तान को बदहाली की ओर ले जा रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान आज कोरोना के काल में भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया है, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हिंदुस्तान की जो आन बान शान है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में गाली गलौच और अपशब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने वाला पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ी है, तो उनके खिलाफ जो है अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया देख रही है। और इस प्रकार के कोई भी अपशब्द जो है वो बर्दाश्त भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हिंदुस्तान का नागरिक नहीं करेगा। इन्होंने बताया कि इस तरह की जो शब्दावली है वो किसी भी तरह से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैडम सरबजीत कौर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसको, इस तरह के किसी विदेश मंत्री का इस तरह से बयान देना, खासतौर पर पीएम के लिए? ये बहुत ही शर्मनाक है किसी भी देश के विदेश मंत्री के लिए बयान देना, क्योंकि वो जानते हैं कि एकमात्र नरेंद्र मोदी जी हैं जो पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं और वो विश्व गुरु बनाने के में अग्रसर है अपने भारत देश को। वो शायद डरते हैं या चाहते नहीं हैं कि उनका इतना, और जबकि मैं कहूँगी कि पूरे देश के भारतवासी जो बीजेपी के तो है ही हैं और जो इसके अलावा भी जो देशभक्त हैं चाहते हैं कि हमारा देश जो आगे बढ़े और विश्व गुरु बने, तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके बारे में ऐसी शब्दावली बोली जाए। प्रदर्शन जो है वो आज यहाँ पर किया गया है चंडीगढ़ बीजेपी की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला भी फूंका है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो टिप्पणी की गई थी वो इनका कहना है कि नाकाबिले बर्दाश्त है, तो इस तरह की जो टिप्पणियाँ हैं वो नहीं की जा सकती। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।